வலது நேர் இருதி லிவர் இடது நேர் இருதி மலர் இருதி நீ இடது நேர் இருதி மலர் இருதி வலது நம்பர் லிவர। वेलकम टू कलरी केंद्रम दिल्ली। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कलरी के अंदर इरुति काल को करते हैं। आप लोगों को इरुति काल सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि इरुति काल होता क्या है करके। इरुति मतलब बैठना। जब केरला में कोई घर पे आता है तो हम उन्हें बहुत रेस्पेक्ट के साथ यही बोलते हैं कि इरक्यू। इरक्यू मतलब बैठ जाइए, आराम फरमाइए, इस तरीके से बोलते हैं। काल मतलब होता है किंग्स, ये मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया है। तो इरुति इसके साथ जुड़ गया, यानी कि क्या हो गया कंप्लीट, इरुति काल। इरुति मतलब बैठना, काल मतलब किक। अब इसको किस तरीके से कलरी में प्रयोग करते हैं, किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करते हैं, क्यों इसको करते हैं करके हम आपको बताएं। किक किया, किक करके नीचे बैठ गया। अब आपको यह देखना है कि जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि नेर काल किस तरीके से करते हैं। नेर काल का कॉम्बिनेशन है ये कि भाई नेर काल मतलब स्ट्रेट लग किक। स्ट्रेट लग किक करना किस तरीके से, अगर जिसने ये वीडियो पहली बार देखा है वो उस वीडियो में देख के समझ सकते हैं कि नेर काल को किस तरीके से करना है करके। तो नेर काल जब आप समझ जाओगे तो उसके साथ ये बैठना भी आपको करना है। तो इरुति काल को करते वक्त किन किन बेसिक चीजों को आपका ध्यान रखना है वो हम आज आपको बताएंगे। ये पोस्चर है, ये इरुति काल में बैठते वक्त बच्चे का बॉडी का लैंग्वेज यही पोस्चर यही होता है। इसका ये पैर बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, यहाँ पे सीधा, और ये जो आगे वाला पैर है ये ऐसे ही पॉइंटेड रहना है। और जब इरुति काल में अगला लेग जब आप किक करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उठोगे यहाँ से तो आपका छाती जो है घुटने से लगा के उठना है, घुटने से लगा के उठना है और दोनों हाथों को सीधा करके खड़े होना है। तो शुरुआती दौर पे जब आप अपने घर पे इसको करेंगे तो आप बिल्कुल कम करिएगा इसको, कहीं देर देर बाद आधा पैर उठाइए, वलत दे रहे आधा उठाइए आधा, यस, एंड पीछे रख के इजीली आराम से बैठिए। धीरे से उठने की कोशिश, वलत दे रहे रुति, एडत दे रहे रुति। तो मेजर जो इसमें जो चीज है वो ध्यान रखना है कि आधा आप किक कर रहे हैं, बैठ रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। तो इरुति काल में जब आप बैठ रहे हो तो आप सीधे इसी पे उठो, उठो बैठो। तो ये जो उठने और बैठने की जो प्रक्रिया है इसमें आप जो है अपने दोनों पैर को हिला नहीं सकते। अगर आपने पैर को हिला दिया, इधर उधर ट्विस्ट कर दिया तो इसको करने का कोई फायदा ही नहीं। उठिए, तो यहां पे ये चीज है कि भाई ये किक क्यों करते हैं, कि भैया ये हम किक करके क्यों बैठते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये किक करके बैठा क्यों है। ये जो उठने के बीच का जो स्ट्रेंथ है ये उसको जनरेट करना है कि कितनी जल्दी ये उठ पा रहा है और कितनी जल्दी बैठ पा रहा है। दोबारा बैठो पीछे, ये तो आप जो कोई बंदा इसको बेसिक प्रैक्टिस करना चाहता है अपने कोर को स्ट्रेंथ करने के लिए या फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या एक मार्शल आर्टिस्ट को, हर किसी को अपने कोर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये चीज का ध्यान रखना है, खड़े होना है यहाँ से और वापस आके दोबारा बैठना है। तो ये अब पूरा दोबारा खड़े हो जाइए, खड़े होते ही आप किक करो और बैठो। तो ये एक तरीका है कि कितनी जल्दी आप खड़े होते हैं और कितनी जल्दी आप अपने किक को एग्जीक्यूट करते हैं और कितनी जल्दी आप वापस बैठते हैं। तो ये एक स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक कलरी का ही अपना एक यूनिक स्टाइल है कि भाई कितनी जल्दी आप अपने बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो और कितनी जल्दी आप कोई भी एक्शन को एग्जीक्यूट करके वापस आके कहीं पे आप छुपते हो। तो ये इस चीज को दिखाता है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, अगर आप बोलोगे सर हमें कब तक इसको प्रैक्टिस करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना है कि किक करके फट से बैठना है। जैसे कि कहीं दे रहे थे वरत दे रही थी, मार के जल्दी से बैठना है, एडत दे रही थी।
तो गाइस ये था इरुतिकाल। इरुतिकाल आप किस प्रकार से अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको आप धीरे धीरे घर पे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा। ज्यादा जल्दी बहुत इजीली उसको स्टार्ट करना है, धीरे धीरे अपने पैरों को बैलेंस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि जब आप किक करने के बाद ये लेग को रखते हो, ये लेग को उठाना नहीं जरूरत है, इसी में बैठने की कोशिश करना है। और जब आप ये राइट किक करके जब आप बैठते हो तो ये चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने बॉडी वेट को जो पीछे नीज है उस नीज में नहीं देना है। इंस्टेड ऑफ दैट ये जो सामने जो पैर है इसमें पूरा देना है आपको, इसमें पूरा वेट देना है, ना कि इस वाले लेग में वेट देना है। इसमें आपको वेट दोगे तो नीज पे जोर पड़ेगा, जिससे आपकी नीज नीज इंजरीज का चांसेस रहते हैं। देखिए अब आपको बताना चाहते हैं कि कलरीफाइट को जो है वीडियो के माध्यम में बहुत कम ही हम सिखा सकते हैं, लेकिन जितने पॉइंट्स को मैं आपको बता सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमेशा अलग होता है जब आप अपने गुरुकुल के सामने सीखते हैं कलरी, तो एक अलग ही एक फील होता है वो, और करेक्शन को साथ साथ में हम करते हैं। लेकिन वीडियो में देख के वही बच्चा सीखता है जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान दे चीज़ों को, बहुत पॉइंट्स को समझे उसको। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं मैक्सिमम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और ये इरुतिकाल है, इसके पहले की और जो काल्स है वो और वीडियोस में है हमारे ही चैनल्स के वीडियोस में आप देख सकते हैं कि बाकी बेसिक्स को हमने कैसे बताए हैं, तो आपको सिस्टमेटिकली धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।